नमस्कार मित्रों, जिस तरह की हमने आपको एक बार पहले आइबल कास्टर 660 BT की ट्यूनिंग बताई थी, उसी तरह आज हम 820 की ट्यूनिंग बताएंगे आपको। तो मीडियम वेव सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि मीडियम वेव पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट वेव तो फिर भी ठीक चलता है, लेकिन ज़्यादातर मीडियम वेव की प्रॉब्लम होती है। ऑन किया, ये मीडियम वेव चल रहा है, ये अभी कोई शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम आ रहा है रेडियो पे। जोधपुर, जयपुर सब एकदम साफ लग रहा है। ये देखिए विदेशी चैनल भी लग रहे कुछ। एक ये है, ये कोई विदेशी चैनल है। ये भी कोई विदेशी चैनल है। ये देखिए गाना भी आ रहा है। एकदम सॉलिड ट्यून है, एकदम साफ, बिल्कुल भी कोई चर्चर की आवाज नहीं है। ये बीकानेर एकदम अच्छी ट्यूनिंग, बहुत ही शानदार ट्यूनिंग। अब हम बैंड चेंज करते हैं। एक बार मैंने बैंड चेंज किया है, ये शॉर्ट वेव है। सॉलिड ट्यूनिंग। अब अपन एक बार मीडियम पे फिर चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या स्थिति है ना। ये सुनिएगा, और भी आपको ट्यूनिंग सुनाते हैं। शानदार ट्यूनिंग, FM हो या मीडियम वेव हो, शानदार ट्यूनिंग, बिल्कुल भी कोई भी सरसराहट कुछ नहीं। और एंटीना देखिए बंद है, अभी एंटीना ओपन नहीं कर रखा मैंने। ये विविध भारती देखिए कितना क्लियर है। ना वो अखियां रूहानी का तो ये शानदार ट्यूनिंग इस आई बेल कास्टर 820 की, जो कि आपको मुझे बतानी थी। इसकी भी ट्यूनिंग अच्छी है, 660 BT जैसी ट्यूनिंग है उसकी ट्यूनिंग। वो थोड़े उसके अंदर दो स्पीकर थे, इसके अंदर एक स्पीकर है, बस फर्क इतना ही है, और तो बिल्कुल शानदार चलता है। ये आपको मैंने मेमोरी कार्ड तो चला के बताया था पिछली बार, और अब आपको आज मैंने ट्यूनिंग भी चेक करा दी है मीडियम शॉर्ट वेव की। शॉर्ट वेव मीडियम अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर थोड़ा टीवी का डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा आप इसकी साइड को थोड़ा इधर उधर कर लीजिए तो ट्यूनिंग ठीक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काफ़ी लोकल रेडियो मैंने जितने भी देखे उनसे इसकी ट्यूनिंग बहुत ही शानदार है, बिल्कुल भी पैसा वसूल ट्रांजिस्टर है, ऐसी बात नहीं है।